छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सभी को बधाई देता हूं। हमारी पार्टी के सदस्यता अभियान चल रहा है और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर विशेष सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। आज हर कार्यकर्ता को अपने बूथ में 100 सदस्य बनाने हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, इसलिए सबसे पहले तो पंडित दीनदयाल जयंती की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और हमारी पार्टी का महापर्व चल रहा है, संगठन का सदस्यता अभियान, और आज दीनदयाल जी की जयंती के अवसर में विशेष सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। आज हर कार्यकर्ता को अपने बूथ में 100 सदस्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब उद्योगीकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब किसान और दलित को होता है। साथियों, भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। SDM केसरगंज आलोक प्रसाद ने कहा, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण था और इसमें हाई कोर्ट का आदेश था कि उसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। नोटिस भी दिया गया था, लोगों ने अपने मकान खाली कर लिए हैं। ये जो कार्रवाई हो रही है वो सरकारी भूमि पर 3 गाथा संख्या थी जिस पर अतिक्रमण था, उसमें हाई कोर्ट का आदेश था कि उसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें 23 स्ट्रक्चर हैं जिसमें से 11 दुकानें थी और 4 लगभग ऐसी जगह हैं जहां लोग नहीं रहते, पर बाउंड्री वॉल वगैरह से घिरा हुआ जगह था, पशु सेट थे। बाकी 8 के करीब मकान हैं, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। प्रॉपर नोटिस वगैरह दे दिया गया था, लोगों ने अपने मकान खाली कर लिए हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव के दूसरे चरण पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए बाहर आ रहे हैं। भाजपा इन चुनावों में विजयी होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ, जम्मू कश्मीर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि वोटर जो है घर से बाहर निकल कर, मतलब वोटिंग कर रहे हैं। पहले फेज में कम से कम 59% वोटिंग हुआ है और दूसरे राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर में ज्यादा वोटिंग हो रहा है। लोकसभा में मतलब 60% के ऊपर वोटिंग हुआ था, तो आज मतलब सेकंड फेज का चुनाव होने जा रहा है। कुछ नेता लोग, उमर अब्दुल्ला हो या और भी कोई हो, सभी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो चुनाव है जम्मू कश्मीर का, ये चुनाव बीजेपी जरूर जीतेगी, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने 370 आर्टिकल हटाकर वहां का आतंकवाद 95% खत्म कर दिया है। वहां के लोगों के मन में जो डर था वो निकाल दिया है। जम्मू कश्मीर विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है, वहां छोटे मोटे उद्योग आ रहे हैं, हमारे नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी निश्चित रूप से चुन पर आएगी और वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, पिछले कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे किसान कानून पर कुछ सवाल पूछे और मैंने सुझाव दिया कि किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसान कानून वापस लाने का अनुरोध करना चाहिए। मेरे इस बयान से कई लोग निराश हैं और हताश भी हैं। जब किसान कानून प्रस्तावित किया गया था तो हम में से कई लोगों ने इसका समर्थन किया था। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए।
मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू।